हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंसरकारी। दिस इज आवर लेक्चर सीरीज नंबर 13 एंड व्हाट वी विल डिस्कस टुडे इज स्टेटस एंड रोल, हाउ दे आर द फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ये तो आपके माइंड में आ ही रहा होगा कि स्टेटस और रोल कैसे फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। सो आइए आज इसी का उत्तर हम देंगे इस लेक्चर में। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज स्टेटस। स्टेटस रिफर्स टू द सोशल पोजिशन विद डिफाइंड राइट्स एंड ड्यूटीज असाइन टू द पोजिशन। इट इज ऑक्यूपाइड, यानी कि ये क्या होती है, ऑक्यूपाई की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट जो इलेक्ट हो चुके, या फिर जो है वो उनका क्या बन गया, स्टेटस है। वो क्या है, उनकी एक पोजिशन है, सोशल पोजिशन विद डिफाइंड राइट्स एंड ड्यूटीज। अब सोशियोलॉजी में क्या होता है, अगर जैसे कि मल्टीपल स्टेटस जब एक वर्ड ऑक्यूपाई किए जाते हैं किसी इंडिविजुअल, तो उसको वो क्या बोल देती है, एक वर्ड सिंगल यूज कर सकते हैं, स्टेटस सेट। उससे क्या होगा, जब हम स्टेटस सेट सिंपली, तो हमारे कितने वर्ड्स कम हो जाते हैं, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से इससे क्या होगा, क्योंकि आंसर किस में लिखना है, 150 वर्ड्स में लिखना है ज्यादातर। ठीक है, तो उसको कम कैसे किया जा सकता है, इसी टाइप की कीवर्ड्स यूज कर करके। सो हाउ, अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, हाउ स्टेटस एंड प्रेस्टीज इंटरकनेक्टेड। कैसे स्टेटस और प्रेस्टीज इंटरकनेक्टेड है। द वैल्यूज एंड राइट्स अकॉर्डेड विद स्टेटस, द वैल्यूज एंड राइट्स अकॉर्डेड विद द स्टेटस इज कॉल्ड प्रेस्टाइज। अब जो वैल्यूज और राइट्स जो है, जो स्टेटस से अकॉर्ड हो रखे हैं, उनको ही क्या बोलते हैं हम, प्रेस्टीज। एंड विद द हेल्प ऑफ प्रेस्टीज रैंकिंग ऑफ द स्टेटस डन। तो अगर प्रेस्टीज के थ्रू ही स्टेटस की रैंकिंग हो रही है, तो ये इंटरकनेक्टेड क्यों नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। ओके, नाउ व्हाट इज रोल, इज रोल स्टैटिक और डायनेमिक। रोल इज द डायनेमिक, एंड हाउ वी विल डिफाइन इट, इट डिफाइंड एज द बिहेवियर एक्सपेक्ट ऑफ स्टेटस एंड विच इज प्लेड। स्टेटस क्या किया जाता है, ऑक्यूपाई। रोल क्या किया जाता है, प्लेड। पीपल प्ले रोल अकॉर्डिंग टू देयर सोशल एक्सपेक्टेशन, दैट इज या तो वो रोल टेकिंग होंगे या फिर रोल प्लेइंग होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, टीचर, उनका रोल क्या है, टू टीच द स्टूडेंट्स। ओके, तो ये क्या हो गया, रोल प्लेइंग, वो रोल प्ले कर रहे हैं कि भाई उनको पढ़ाना है। लेकिन काफी बार क्या होता है कि वो हैबिट्स या फिर किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं कि हाँ मैं इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए इस तरीके से कर दूंगी। जैसे कि हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स लाइक ये थे, इनका रोल क्या था, रोल टेकिंग था कि भाई हम इस चीज के अगेंस्ट लड़ेंगे। जैसा कि हमने औरबिंदो का एक आर्टिकल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, जिन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में किया था, और अंबेडकर जी ने भी किया था। तो इसी तरीके से वो क्या कर रहे हैं, रोल टेकिंग हो गए एज वेल एज रोल प्लेइंग भी हो गए। सो दे आर प्लेइंग रोल टू डिक्रीज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब नाउ क्वेश्चन अराइज, कैन वी से दैट स्टेटस इज एन इंस्टीट्यूशनलाइज रोल। अब है तो कैसे है, नहीं है तो कैसे नहीं है, आप भी अपने हिसाब से इसका आंसर दे सकते हो। लेट्स आंसर इट, यस स्टेटस इज एन इंस्टीट्यूशनलाइज रोल, बट क्वेश्चन अराइजेस हाउ, बिकॉज इट इज द रोल दैट हैज बिकम रेगुलराइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड एंड फॉर्मलाइज्ड इन द सोसाइटी एट लार्ज और इन द स्पेसिफिक एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी। अब हम कैसे बोल सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज रोल है स्टेटस, बिकॉज इट इज रेगुलराइज्ड, स्टैंडर्डाइज्ड एंड फॉर्मलाइज्ड इन द सोसाइटी एट लार्ज और इन द स्पेसिफिक एसोसिएशंस ऑफ सोसाइटी। आओ अब नए टर्म आती है, रोल स्टीरियोटाइपिंग। अब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जहां पे आएगा, वहां पे स्टीरियोटिपिकल बिलीफ्स डेफिनेटली यूज होगा। तो व्हाट इज रोल स्टीरियोटाइपिंग। अब स्टीरियोटाइपिंग का मतलब हो गया कोई भी रुकावट के लिए प्रोड्यूस व्यू ऑफ पीपल। अब व्हाट इज रोल स्टीरियोटाइपिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रेनफोर्सिंग सम स्पेसिफिक रोल फॉर सम मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये क्या है, प्रोसेस ऑफ रेनफोर्सिंग
some specific role for some member of society. For example, हमारी traditional society में, फिर हमारी society में, Indian society में क्या बोला जाता है कि man as a breadwinner होगा और woman क्या होगी, homemaker होगा. ठीक है, name the process by which roles are internalized. Any guesses, please? Name the process by which roles are internalized and carried out. क्या प्रोसेस का नाम हो सकता है जिससे रोल इंटरनलाइज भी हो, कैरिड आउट भी होगा? तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, सोशलाइजेशन ही ऐसी प्रोसेस है बाय विच रोल्स आर इंटरनलाइज्ड एंड कैरिड आउट. सो सोशलाइजेशन के लिए एक नया वर्ड और क्या यूज कर सकते हैं हम, एनकल्चरेशन. क्या यूज कर सकते हैं, एनकल्चरेशन. अब टू द प्रोसेस थ्रू विच अ पर्सन स्पेशली अ चाइल्ड एक्वायर्स बोथ द नॉलेज. एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू, एग्जाम्पल मोस्टली क्या होता है, सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में ही बात होती है. ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो एक्वायर्स बोथ द नॉलेज एंड द पर्सनैलिटी नेसेसरी टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ सोसाइटी. अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी. अब कम्युनिटी में क्या होगा, वो एक पर्सनली होगा, ठीक है, लेकिन सोसाइटी क्या हो जाती है, इम्पर्सनल हो जाती है. यही एक डिफरेंस है कि जो सोसाइटी और कम्युनिटी में थोड़ा डिफरेंस है, यानी कि सोसाइटी में पर्सनल एज वेल एज इम्पर्सनल व्यूज दोनों आ सकते हैं, लेकिन कम्युनिटी में क्या होगा, पर्सनली. हाउ डज सोसाइटी फंक्शन. अब सोसाइटी फंक्शन कैसे करती है, ये भी क्वेश्चन है. कैसे सोसाइटी फंक्शन करेगी भाई, सोसाइटी फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ नॉट जस्ट रोल्स एंड स्टेटस. जरूरी नहीं है कि सोसाइटी सिर्फ रोल और स्टेटस मिल गए, स्टेटस भी है, रोल भी है, और सोसाइटी फंक्शन कर जाएगी, जी नहीं, बट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ सोशल कंट्रोल. वाई सोशल कंट्रोल, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी. सोशल कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज सोशल कंट्रोल. सोशल कंट्रोल, इट रेफर्स टू द वेरियस मीन्स यूज बाय अ सोसाइटी टू ब्रिंग अनरूली मेंबर्स बैक इनटू लाइन. क्या वेरियस मीन्स, यानी किसी भी तरीके से, जैसे काफी बार क्या होता है, अगर आपका स्कोर स्कूल में कम आता है, ठीक है, तो पेरेंट्स क्या कर देते हैं, या फिर टीचर्स क्या करेंगे, डांटेंगे या फिर मारेंगे, दो काम होते हैं. तो नेक्स्ट टाइम आपका शायद स्कोर इंप्रूव हो, क्योंकि वो डर आपके माइंड में बैठ, तो एक तरीके से आपके लिए क्या है, कंट्रोल लाने का एक मीन्स है. तो इसी तरीके से सोसाइटी में भी ऐसे होता है, कोई कोई ना कोई मीन्स होगा जिसके थ्रू हम मेंबर्स को क्या करते हैं, बैक टू लाइन ले आते हैं. अब इट इज थ्रू रेस्ट्रेनिंग डेविएंट बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड सोशल कोहेशन इन द सोसाइटी. सोशल कंट्रोल में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल क्या होगा, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होगा. इनफॉर्मल क्या होगा, जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है लेकिन फिर भी सोशल कंट्रोल हो सकता है. फॉर्मल क्या हो जाएगा, जैसे गवर्नमेंट कोई रूल वगैरह बनाते हैं तो वो क्या है, लोग उनकी बातों को मानेंगे, तो डेट इज सोशल कंट्रोल, बट इन द फॉर्मल वे. बट इनफॉर्मल वे, जैसे कि भाई फैमिली के थ्रू हो गया, इस तरीके से, तो वो क्या हो गया, इनफॉर्मल वे है, कि हर इंडिविजुअल फैमिली का अपने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन बट दे एक्ट एज अ मीडियम ऑफ सोशल कंट्रोल. सो अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, सोशल कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ फोर्स टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स. बी क्या पॉइंट है नेक्स्ट, एनफोर्सिंग वैल्यूज एंड पैटर्न्स फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर इन द सोसाइटी. अब फॉर सोशल कंट्रोल वी यूज टू टर्म्स, सेंक्शन एंड डेवियंस. वट डू यू मीन बाय सेंक्शन एंड वट डू यू मीन बाय डेवियंस, लेट्स डिफाइन इट. सेंक्शन इज अ मोड ऑफ रिवार्ड, या तो हम किसी को रिवार्ड करेंगे या फिर पनिशमेंट देंगे, उसी के थ्रू किया जा सकता है. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया था टीचर्स का, स्कूल का, उसमें क्या है, हम तो क्या कर रहे हैं, सेंक्शन का यूज कर रहे हैं एज द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट दैट ट्रांसफोर्स सोशली एक्सेप्टेड फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर. एंड नेक्स्ट, डेविएंस रेफर्स टू मोड्स ऑफ एक्शन व्हिच डू नॉट कंफॉर्म टू द नॉर्म्स एंड वैल्यूज. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.